सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा, सेवा का लाभ उठाइए। सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। तो ये जिके असान के चॉइस जिका वो इतना ही मिलियो, असान के चंगाई प्रोफाइल्स वो किया जिमा असान चॉइस करी सकिया सी, और थोड़ी समय में असान वेवे जी माना मंगई थी तो वो रिश्तो.com जी कर ही थियो, न तो असान इतरो जल्दी न करे सके। रिश्तो.com सिंधियों जो सिंधियों सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। फिर एक युवक पर जानलेवा हमला करने की घटना उल्लासनगर के कैंप 5 से सामने आई है, जहां इस हमले में युवक गंभीर जख्मी हुआ है और उसका उल्लासनगर के सरकारी सेंट्रल हॉस्पिटल में उपचार शुरू है। दिनेश जावड़े यह गंभीर जख्मी युवक का नाम है, जो कैंप 5 सेक्शन 36 गायकवाड़ पाड़ा बाबूबाई चौल में रहते हैं। 7 मार्च को दिनेश कपड़े खरीदने के लिए मार्केट गया था और जब वह वापस घर लौट रहा था तभी धनेश मडवी और गानू मडवी ने रोककर पहले गाली गलौज की और जब गाली देने से मना किया तो गानू मडवी ने उसके पास रखा चौपर निकालकर दिनेश पर हमला कर दिया, जिससे दिनेश के छाती पर, गले पर, हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं और दिनेश को उपचार के लिए सरकारी सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दिनेश की शिकायत पर धनेश मडवी और गानू मडवी के खिलाफ IPC की धाराओं सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस दिनेश मडवी और गानू मडवी की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन। मेरा नाम दिनेश जावरे है, मैं रहता हूँ उल्लास नगर 5 सेक्शन 36 कायकरपाड़ा क्रमांक 2 में। तो मैं रास्ते से जा रहा था, मेरा दोस्त था साथ में। रास्ते में जाते जाते तो मैं गया था टी शर्ट लेके, जैसा मतलब मिला तो नहीं टी शर्ट, मैं नीचे आया, प्रधान सेठ का ऑफिस है, मैं उधर से आया ऑफिस के, इधर से गाड़ी उधर ही रुकाया। मैं जॉब करता हूँ प्रधान सेठ के, इधर जॉब करता हूँ तो मैं गाड़ी उधर रुकाया दोस्त के लिए, हम दोनों साथ में थे, उसका घर बाजू में ही है, उसको उतारा तो मैं गाड़ी में जैसा किक मारा ना गाड़ी में, 2 बंदे आए, एक धनेश मडवी करके और एक नैनू मडवी करके। ये इसमें एक लड़का है धनेश मडवी, ये धनेश मडवी ने ये डायरेक्ट मेरे पास आता है, बोलता तो इधर की बात उधर करता है ऐसे वैसे, और वो एक ज्ञानेश्वर है वो भी आता है, वो बोलता है इधर का बात उधर करता है। तो सामने वाले ने डायरेक्ट मेरे को राइड किया, उसमें 2 लड़के, एक धनेश मडवी और एक नैनू, ऐसे नैनू ने मतलब एक मारा मेरे को, मतलब उसने भी थोड़ा ये किया, और वो लड़का मेरे को मार रहा ही था बिना मतलब, अरे सामान वीमान निकाला मेरे ऊपर चालू कर दिया दोनों ने मारने ऐसे। तो कहाँ पर लगाया आपको, कितना टाका लगाया उधर? मुझे सर देखो अभी मुझे मेरे उंगली पे भी लगा है और मुझे सीने पे ज्यादा बड़ा वार है, 8 टाके लगे हैं सर। इस बारे में शिकायत वगैरह की आपने पुलिस से? इस बात में शिकायत की है, पुलिस में भी अभी सहयोग किया है, पुलिस गए थे उनके घर पे, मैं शिवाजी नगर में कंप्लेंट दिया है, वो लोग ने भी सहयोग किया, 2 बार उनके घर पे गाड़ी गया है पुलिस वाले का। क्या कारण क्या था हमला करने का उनका? कारण कुछ भी नहीं, अभी मैं 5 साल के बाद प्रधान पाटिल नगर सेवक है प्रार्जन शक्ति पक्ष, तो उनके पास वो जॉब पे गाड़ी चला था, तो वो लड़के भी उधर ही थे, एक धनेश मडवी करके है ना, वो लड़का उधर ही रहता था, तो वो मेरा दोस्त ही था, मतलब अचानक में उसका मतलब ऑफिस में कुछ तो हो गया, उसका आना जाना बंद हो गया, तो मतलब मेरा कैसा अच्छा कपड़ा पहनना सब, उसका अभी जलन हुआ तकलीफ हुआ वो नहीं पता, तो उसने मेरे को 4-5 साल के बाद अभी पॉइंट में पकड़ा, मेरा तो उससे कुछ है ही नहीं, बैनर पे फोटो साथ में बैठे। तो अभी पुलिस से क्या मांग करते? पुलिस से मैं एक ही मांग करूंगा, जल्दी से जल्दी ये धनेश मडवी को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे 326 का केस लगाया, 307 का केस चाहिए, क्योंकि इसने मेरे भाई को एक हफ्ते पहले इसने धमकी दिया है कि तेरे भाई को समझा किधर भी मिलेगा तेरे भाई को मारेगा, मैं छोड़ेगा नहीं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।